हेलो दोस्तों, एंड्रॉइड नाम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की मदद से किसी भी फाइल अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे शेयर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो आज आपको हम एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर यानी पीसी के अंदर सेंड कर सकते हैं। लैपटॉप के अंदर तो आपको हॉटस्पॉट मिल जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपको हॉटस्पॉट नहीं मिलता है। आज आपको बताएंगे एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ करके, आप एक एप्लीकेशन का यूज़ करके आसानी से किसी भी फाइल को आप शेयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने छोटे से इंट्रो के साथ। ओके दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि आपको जहाँ पर भी अपनी फाइल रखनी है, सबसे पहले उस डायरेक्टरी में जाइएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम सी में चाहते हैं और किसी भी फोल्डर में आप ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा हूँ टेस्ट के नाम से। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप नया बनाएंगे। यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं जो आपके हिसाब से रहे। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट टू और यहाँ से हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहीं पर आपकी ट्रिक है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, शेयर में जाएंगे, शेयरिंग में, और यहाँ पर आपको एक शेयर की बटन मिलेगी, इस पर शेयर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका ओनर सिलेक्ट रहेगा, लेडी आपका नाम है, इसको सिलेक्ट करके हम ओके पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बस आपका शेयर यहाँ पे फोल्डर हो चुका है। अब इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे एक एप्लीकेशन, इसका नाम है फाइल टू कंप्यूटर अर्ली एक्सेस। इसको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके रखा हूँ, आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका ओपन होगा। सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे कंप्यूटर और मोबाइल का। यहाँ पे पहले से कनेक्शन है वो दे रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। ये है जो भी आपकी आईपी एड्रेस रहेगा उसको सर्च करेगा और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जितनी भी आईपी एड्रेस ओपन रहेंगे। यहाँ से हम मेरा नीचे उसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर सिलेक्ट लिखा है, क्योंकि ये ओपन है दे रहा है सिलेक्ट। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी ओपन नहीं रहेगा तो उसको भी शो करता है। यहाँ पर यूज़र नेम आप जो भी रहेगा आपका कंप्यूटर का, वो यूज़र नेम दीजिएगा। यहाँ पे है मेरा लेडी के नाम से, तो मैं इसको लेडी लिखता हूँ। और पासवर्ड अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर लॉगिन पासवर्ड लगा है तो नीचे लॉगिन पासवर्ड दीजिएगा, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जो है लॉगिन पासवर्ड लगा है, तो मैं इसको दे देता हूँ। और यहाँ पे डायरेक्टरी देना रहेगा यानी फोल्डर का नेम। मेरे पास जो फोल्डर है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि टेस्ट टू के नाम से है, तो मैं इस टेस्ट टू को यहाँ पर दे दूँगा। देने के बाद आपको नीचे आना होगा और इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको टेस्ट पे क्लिक करके इसको चेक कर लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी शेयर करना चाहते हैं मोबाइल के अंदर से आसानी से हम शेयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। आपको किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं, विदाउट केबल आप इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं ये फोल्डर एम्प्टी है। अब यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की जितनी भी डायरेक्टरी रहेगी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी फाइल शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेयर करने के बाद डायरेक्ट वो डिलीट हो जाए तो उसका भी ऑप्शन देता है। यहाँ से हम कुछ फ़ोटो को जो है सिलेक्ट करके हम ऊपर जो बटन बनी है शेयर की उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फाइल जो है शेयर हो रही है। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, आपकी फ़ाइल की साइज़ पर ये डिपेंड है कि कैसी फ़ाइल है। अगर छोटी फाइल तुरंत हो जाएगी, कभी कभी होता है कि हम फ़ोटो जो है कैप्चर किए रहते हैं तो उसको इस तरीके से आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास केबल नहीं होती है तो विदाउट केबल भी आप इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं और जो भी फ़ोटो में एडिटिंग या वीडियो में एडिटिंग करना रहे वो कर सकते हैं। तो मोबाइल और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया एक दूसरे कनेक्शन के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। आई सजेस्ट कि आप इसको अपने मोबाइल के अंदर रखिए, कभी भी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।